BYQ हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये वाला चैप्टर का हम लोग पूरा रिकैप कर चुके थे, रिवीजन कर चुके थे, और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं BYQ में, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तुम्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, सब लोग इधर ध्यान देगा, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड लेंथ सेम होंगे और ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और प्लस क्यू और माइनस टू क्यू प्लेस्ड है बी और सी पे, बी पे है तुम्हारा हाँ प्लस क्यू है और यहाँ पे क्या है माइनस टू क्यू, ये रखा होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, सबका साइड लेंथ दिया हुआ है, साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ क्या है ए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ड्यू टू दिस टू चार्जेस। देखो यहाँ ध्यान दो, तुम्हें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए पे ये दोनों चार्ज के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट ए पे कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। yes, सबसे पहले तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सेकंड क्या फाइंड करना है डायरेक्शन। देखो बहुत आसान है, हमको सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, क्योंकि ये तुम्हारे दो चार्जेस है प्लस क्यू माइनस टू क्यू, तो किसी भी गिवन पॉइंट पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन कर लें कि ये मुझे एक यूनिट पॉजिटिव फेस चार्ज, जिस भी पॉइंट पे भी तुमको फाइंड करना, वहां पे प्लस वन कॉलम का चार्ज रख दो। अरे है नहीं, ये प्लस वन कॉलम चार्ज जितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही कहलाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे दो चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू, ये भी प्लस, ये भी फोर्स लगाएगा इस पे, ये माइनस क्यू भी इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, और दोनों का वेक्टर सम ही आपका क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो जब पॉजिटिव चार्ज इस प्लस वन कॉलम पे फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा रिपल्सन, तो ये होगा डायरेक्शन का ए, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका पॉइंट ए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मान लेता हूं E1, क्या मान लेता हूं E1, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, बोलो यार ये आपका क्या होगा E2, क्या होगा E2, ये आपका E1 और E2 मुझे आ गया। और इस पॉइंट पे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था वहां पे वन कॉलम का चार्ज रख दिया। देखो सारे एंगल कितने हैं, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 180 भी ले सकते हो, ये भी 60, तो 120 बचेगा। और वैसे भी एक सेयर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो ये E1 और E2 के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। अरे बोलो यार, सबसे पहले E1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 k, मान लेते हैं इसको q है चार्ज और इसका डिस्टेंस कितना है a square हो जाएगा। E2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करें k 1/4πε0 माइनस टू क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस प्लस टू क्यू हो जाएगा और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है a square, डिस्टेंस क्या है a square। अरे बोलो यार, ये आ गया। देखो E1 और E2 में अगर देखोगे तो E1 टू टाइम्स है E2 के। अरे बोलो यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना होगा, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A इक्वल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 वेक्टर सम। अरे है नहीं, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो EA का जो आपका होगा मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू E1 इनटू E2 कॉस ऑफ 120 कॉस ऑफ 120 लिख सकते हैं ना, वैल्यू पुट करो EA जो आपका जाएगा, E1 का वैल्यू पुट कर दो कितना है k, हाँ लिख लेते हैं बाद में, ले लेंगे डायरेक्ट भी ले सकते हो KQ/A² का होल स्क्वायर। अरे है नहीं, E2 होगा KQ/2B² है, तो 2² इसको बाहर कर देते हैं और लिखेंगे KQ/A² अरे बोलो यार का होल स्क्वायर प्लस 2E1 कितना है KQ/A² इंटू 2 इंटू KQ/A²
ये दो बार कर दोगे k क्यूब का स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री, cos 120 डिग्री को लिख सकते cos 90 डिग्री प्लस 30, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, sin थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा sin थीटा, लेकिन cos 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, माइनस 1 बाय 2 कितना होगा माइनस 1 बाय 2 और ये रूट में आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो k क्यूब बाय a स्क्वायर, k क्यूब बाय a स्क्वायर, k क्यूब आपका कॉमन है बाहर आ जाएगा, तो k क्यूब बाय a स्क्वायर बाहर करोगे तो रूट के, तो k क्यूब बाय a स्क्वायर से बचेगा अंडर रूट, यहां पे 1 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4, और यहां पे प्लस माइनस माइनस, यहां पे बचेगा माइनस 2, ये 2 बचा ना, तो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू के इंटू क्यूब बाय ए स्क्वायर, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उनको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से एक हम लोग साइड ये साइड के पैरेलल मैंने लिया और ई1 के पैरेलल मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो यहां से पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम का एक साइड ई1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइड किसको E2 को, तो ये जो आपका डायगोनल होगा ये दोनों का क्या बताएगा रिजल्टेड, यानी ये EA का डायरेक्शन है, अरे हां ये नहीं हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं ये एंगल कितना है किसी भी एक वेक्टर के साथ, नहीं 60 डिग्री क्यों होगा, बीचों बीच से नहीं पास करेगा क्योंकि यहां पे E2 का वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो E1 और E2 है ना, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्शन क्या होगा किसी भी एक वेक्टर E2 के साथ अगर फाइंड करोगे तो आपका एंगल फाइंड कर सकते हो, हम बताते हैं वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, दो वेक्टर अगर ए और बी और एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट आर का जो डायरेक्शन हम लिखते हैं वो लिखते हैं टैन ऑफ अल्फा, क्या लेते हैं टैन ऑफ अल्फा, टैन ऑफ अल्फा ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल, अरे हाँ नहीं, तो ये टैन ऑफ अल्फा होता है बी साइन थीटा, क्या होता है बी साइन थीटा, हो जाएगा ए टू इंटू साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री इंटू ई1 प्लस E2 cos theta, E1 plus E2 cos of 120 degree हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो tan of alpha is equal to sin 120 degree, sin 90 degree plus theta, cos theta, ये हो जाएगा E2 cos of 30 degree, E1 को E1 रहने देते हैं और cos 120 degree अभी निकाल लेते हैं, minus 1 by 2, तो ये हो जाएगा minus E2 by 2, अरे भाई नहीं, वैल्यू पुट कर दो tan of alpha, E2 का वैल्यू कहाँ पे देखो, k into 2 इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, अरे बोलो यार E1 का वैल्यू कितना है k क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस E, हाँ ये आपका E2 है ना, E2 बाई 2 है, E2 कितना है k इंटू 2 क्यू है ना बाय ए स्क्वायर, अरे बोलो यार रुको रुको 90 डिग्री आ जा रहा भैया, ठीक है देखो यहाँ ध्यान दो ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या था 2, 2 2 कैंसिल, k क्यू बाय ए स्क्वायर, k क्यू बाय ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, और जिससे हम लोग कोई भी नंबर को जीरो से इनफाइनाइट आ जाता है, तो टेन ऑफ अल्फा तुम्हारा हो गया इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है टेन ऑफ 90 डिग्री, टेन ऑफ 90 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, टोटल कितना था 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री, बोलो सर अगर उस तरफ ज्यादा झुकेगा जिधर मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा, E2 का वैल्यू ज्यादा है ना, तो देखो E2 के साथ कम एंगल बनेगा 30 डिग्री, E1 के साथ ज्यादा, मतलब किधर ज्यादा टिल्ट है E2 की तरफ, अरे हाँ ये नहीं, यानी ये E2 के डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बनाएगा और E1 के डायरेक्शन के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, कितना बनाएगा 90 डिग्री, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर देखोगे, क्या देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा इसको, तो ये तुम्हारा हम लोग कर लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ फाइंड कर लिए, एक ही प्रॉब्लम क्लियर है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले सुनना है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या 5 मार्क्स में, इसका फर्स्ट पार्ट तो डेरिवेशन वाला पार्ट है, टॉर्क वाला कल हम लोग देख चुके थे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, हम लोग इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आएंगे जो गॉसस थ्योरम के एप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कंसिडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2, तुम्हें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिया हुआ, एक है तुम्हारा S1, ये तुम्हारा क्या है S1, और दूसरा जो स्फीयर है ये तुम्हारा क्या है S2, कॉन्सेंट्रिक है दोनों का सेंटर क्या है सेम कॉमन सेंटर,
क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ है इनक्लोजिंग चार्जेस 2Q and 4Q। दिस स्फीयर S1 इज इनक्लोजिंग अ चार्ज 2Q और ये जो S2 है वो उसके अंदर कितना है 4Q, ये चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सोन इन द फिगर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। पहला फाइंड करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मीन्स फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, ये पहला निकालना है। और सेकेंड है आपको फाइंड करना है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक L इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। देखो ये पूरे के पूरे में क्या है, एयर है, पूरे के पूरे में क्या है, एयर है। क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ये जो S1 के अंदर में, ये S1 के अंदर में हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया डायलेक्ट्रिक, अगर डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तब उसके बाद निकालना है, तो उसके थ्रू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कुछ भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक L इज इंट्रोड्यूस, एक्चुअली होगा एप्सिलॉन R या K हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ कि एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाल दिए, देन इफ द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन द प्लेस ऑफ एयर हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंजेस। मतलब फ्लक्स थ्रू S1 हमको निकालना है, चेंज इन S1 फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 इफ डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, पहले एयर मीडियम में निकाल लेते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। गॉसेस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई टोटल किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो होता है 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अरे बोलो यार, तो अगर इस चीज को हम लोग अप्लाई करें फॉर सरफेस S1 जब एयर में, किसमें एयर, पहला एयर मीडियम में निकाल रहे हैं, मतलब दोनों के अंदर में जो मीडियम है वो एयर है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 फॉर्मूला अप्लाई करो 1/ε0 और इसके अंदर S1 के अंदर चार्ज कितना है 2Q। अरे है नहीं, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 अगर निकाले 1/ε0 इंटू क्यू इंक्लोज, हाँ देखो ये S2 के यहाँ पे इस अंदर में स्पेस में 4Q है, इसके अंदर भी कितना है 2Q। अगर सिर्फ S1 तुम S2 अगर लो तो देखो 4Q और कितना है 2Q, जो तुमने सरफेस लिया S2 उसके टोटल, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है 4Q + 2Q, तो टोटल चार्ज कितना है 6Q। और अगर रेशियो फाइंड करना है तो 5S1/5S2, देखो 1/ε0 1/ε0 क्या जाएगा कैंसल, Q क्या हो जाएगा कैंसल, 2 3 6 1/3 आया पहला। अब सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 इन एयर मीडियम, अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 जो होगा वो होगा 1/ε0 इंटू εr, εr से भी मल्टीप्लाई होता है इंटू चार्ज इंक्लोज, चार्ज इंक्लोज कितना है 2Q, तो निकाल लो फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 विल बी इक्वल टू, देखो इसको अरेंज कर लेते हैं 1/ε0, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना मान लिए के, तो जाएगा 2Q/ε0। अरे है नहीं, के का वैल्यू अगर एयर के अदर देन एयर लोगे, एयर के लिए होता है 1, उसके बाद जो भी मीडियम लोगे के ग्रेटर देन 1 आएगा, आएगा ना, तो देखो ये पूरे वाले टर्म में के से तुम डिवाइड किए, कोई भी एक क्वांटिटी उसको नीचे डिवाइड करो ग्रेटर देन 1 से, तो वो क्वांटिटी क्या कर जाएगा घट जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स S1 ग्रेटर है, यहाँ पे 2 कितना है εr, यहाँ पे 2Q/ε0 डिवाइडेड बाय के। अरे है नहीं, तो आपको चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है, कितना चेंज फ्लक्स होगा, तो सबसे पहला बात है कि फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और चेंज इन फ्लक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होगा इनिशियल में, चूंकि इनिशियल ग्रेटर है तो मैं बोलूंगा ये 5S1 ही है। अरे है नहीं, ये आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो 5S1 - 5S1- डायलेक्ट्रिक मीडियम में, तो 5S1 मुझे दिया हुआ है 2Q/ε0 - 2Q/ε0 इनटू के, के ले लिए ना, के ले लिए, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर करो 2Q/ε0 को बाहर करेंगे 1 - 1 - k, ये चेंज इन फ्लक्स आएगा। अरे हाँ या ना बोल, सिंपल है ये प्रॉब्लम, तो बहुत सिंपल था, ये था ना, यहाँ पे सिंपल हम लोग को किसका अप्लाई करना था, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम लोग क्विकली एक प्रॉब्लम और यहाँ पे देखते हैं, कितना बार हम लोग इस प्रॉब्लम को देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर से करते हैं यहाँ पे, पर इस चीज को समझना है चीजों को, ठीक है ना, ये शायद प्रॉब्लम मैंने करवाया था तुम्हें गॉसेस थ्योरम के लिए बेस्ट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 2। यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन को समझना है, आसान है सारे सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका कर रहा है
कि यहां पे ये मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं पहले, ये क्यूबिकल बॉडी है, ये क्यूब है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है क्या, ये क्यूबिकल बॉडी। अब देखो ये जो क्यूब है ना रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस है। आगे बढ़ा देता हूं मैं, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका क्या है वाई एक्सिस, ड्रॉ कर लेता हूं, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस, ये जो डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस, ये ओरिजिन से ये वाला एंड का डिस्टेंस दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है ए, ये डिस्टेंस है तुम्हारा ए, दिख रहा है क्या, और इसका साइड लेंथ भी दिया हुआ है ए, साइड लेंथ क्या दिया हुआ है ए, और कैसे रखा हुआ है वो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, ले रहा है, ये डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्टेट गॉसस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेट गॉसस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गॉसस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट टोटल आउटवर्ड, टोटल आउटवर्ड बाहर निकलने वाला नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यही तुम्हारा गॉसस है, तो हम लोग स्टेटमेंट जानते हैं। अ क्यूब विद इच साइड ए, ये क्यूब दिया हुआ है उसका एक साइड दिया हुआ है ए, इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि तुम्हें दिया हुआ गिवन बाय ई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, सी इंटू एक्स इंटू आई कैप, यहां पे देखो हर चीज के बारे में बताया, सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, इक्वेशन में सी कॉन्स्टेंट है और एक्स बता रहा है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स क्या बता रहा है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहला इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पहला ये पार्ट है, और नेट चार्ज, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस क्यूब के अंदर, उनको फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले देखो, अगर तुम, मैं बताया था ये वाला पार्ट देखो, देखो हर एक सरफेस अगर इसके अंदर चार्ज रखा हुआ, इसके अंदर क्या रखा हुआ है चार्ज, तो इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। ये वाला सरफेस देखो, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला सरफेस देखो सब लोग, ये पैरेलल, हाँ अगर हम लोग इस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, अरे बाहर जाएगा ना, एरिया कितना होगा, क्योंकि इसका साइड लेंथ ए दिया हुआ है, ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा ना, और डायरेक्शन देखो किस एक्सिस के पैरेलल, सर क्यूब ना होता है एरिया, वॉल्यूम होता है क्यूब, सरफेस एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, तो क्या होगा आई कैप, अरे होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखो सी एक्स इंटू आई कैप, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना वैल्यू होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिखते हैं E इज इक्वल टू सी है और x का वैल्यू पुट करना, ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है a और a 2a, कितना 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं c इंटू x, x पे डिपेंड कर रहा है c इंटू 2a इंटू आई क्या, अरे हाँ नहीं, अरे बोलो, ये वाला सरफेस पे देखो, ये वाला सरफेस सब लोग देखेगा, ये वाला सरफेस देखो आया ना, बोलो इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर और बाहर जाएगा, क्या जाएगा बाहर, अंदर नहीं बाहर, तो इसका बाहर बाहर इधर, अरे हाँ नहीं, तो इसका भी एरिया कितना होगा, इसका साइड लेंथ है ए, क्या है ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है माइनस ऑफ आई क्या, अरे हाँ नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके क्या है अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपोजिट, इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं लिखू C और कितने डिस्टेंस पे A, C A इंटू आई कैप, अरे बोलो यार, हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं फ्लक्स, बाकी सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा जीरो, क्या होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, और ये वाला सरफेस लोगों ऊपर वाला सरफेस ऐसे करके रखा हुआ, रखा हुआ ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल होगा, नीचे वाले सरफेस के लिए भी अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है बाहर की इधर एक्स एक्सिस में, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा डाउनवर्ड, तो इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी, साइड वाला में भी और पीछे वाला में, सिर्फ ये वाला, समझ में आ रहा है ना, ऐसा सरफेस जो वाई एक्सिस के
के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y नहीं y z प्लेन के क्या है पैरेलल, उसी के थ्रू सिर्फ क्या होगा फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं नेट फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट S, क्या होता है E डॉट S, तो नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके थ्रू निकालते हैं E डॉट S होता है, क्या होता है E डॉट S, दो सरफेस है तो दोनों सरफेस के थ्रू निकालेंगे। सबसे पहले इस सरफेस के लिए इसका है सी इंटू टू ए, टू सी ए आई कैप डॉट कितना है ए स्क्वायर आई कैप, ये पहले के लिए निकला, प्लस ये वाले सरफेस के लिए देखो कितना है, देखो c इंटू ए इंटू आई कैप डॉट ई डॉट एस होता है ना, इसका सरफेस एरिया है ए स्क्वायर माइनस आफ आई कैप। अरे हाँ ना बोल, देखो i डॉट आई कितना होता है वन, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब, टू इंटू सी इंटू ए क्यूब प्लस माइनस माइनस i डॉट आई वन सी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा ए क्यूब, तो टू सी ए क्यूब माइनस सी ए क्यूब क्या हो जाएगा सी ए क्यूब, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब नेट फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है बाहर, बाहर जाने वाला ज्यादा है ना जी, अंदर आने वाला क्या है सी ए इंटू आई क्या। अरे बोलो ये ये फ्लक्स निकल गया। अब इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग निकालते हैं गॉसेस थ्योरम लगा दें, गॉसेस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनक्लोज्ड। अरे बोलो यार, तो यहाँ से हम लोग क्यू इनक्लोज निकाल सकते हैं, क्यू इनक्लोज मेरे को कितना होगा, मेरे को होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, फ्लक्स निकाल चुके हैं फाई है आपका सी ए क्यू, तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ए क्यू, आया ना समझ में आया कि हाँ ही नहीं बोलो यार, तुम्हें कुछ बोला नहीं करता है, फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया समझ में आया ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल प्रीवियस ये तो सिंपल ही है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आसान वाली प्रॉब्लम है। सर हम लोग जब वैल्यू पुट करते थे ना एप्सिलॉन नॉट का 8.825 वो कब पुट करते थे, 1 एप्सिलॉन नॉट में या एप्सिलॉन नॉट में, किसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था सर 8.825 * 10 - 12 तो कब पुट करते 1 एप्सिलॉन नॉट होता तब पुट करते थे या सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का ही सिर्फ वैल्यू है वो, सब किया हुआ एक्सपेरिमेंटल, अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, करना चाहते हो क्या, करना चाहते हो करोगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम कितना बार करवा चुके हैं और लोकेटेड एट इसका पोजिशन भी दिया हुआ है ए कॉमा जीरो और दूसरे का दिया है कॉर्डिनेट फोर ए कॉमा जीरो, फोर ए कॉमा जीरो अल्फा भी ले सकते हैं अल्फा जीरो यहाँ पे दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस, ये दोनों चार्जेस के कारण कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। देखो यहाँ ध्यान दो, पहले हम लोग प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, एक आपको स्फीयर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है स्फीयर जिसका सेंटर कहां पर होना चाहिए ओरिजिन, यानी जिसका सेंटर होना चाहिए जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, तो ये मैंने स्फीयर ड्रॉ किया और रेडियस कितना होना चाहिए थ्री ए, ठीक है ये सबसे बड़ा मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ ध्यान दो ये स्फीयर में बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ किया, थोड़ा सा नीचे ज्यादा आएगा, देखो रेडियस इसका दिया हुआ है, रेडियस होता है ये सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है थ्री ए, अरे बोलो यार ये डिस्टेंस कितना है थ्री ए और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है थ्री है, अरे बोलो यार। अब चार्जेस का लोकेशन देखते हैं ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो एक्स एक्सिस में वैल्यू कितना है ए, वाई एक्सिस में क्या है जीरो, जेड एक्सिस में दिया जीरो, तो ये रेडियस है आपका थ्री है, ये कोऑर्डिनेट होगा थ्री ए कॉमा जीरो, ये जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा थ्री ए और ये जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा थ्री, अगर एक्स वाई जेड में रखो तो यहाँ जेड भी है तो यहाँ जेड जीरो लिख सकते हो, अरे बोलो यार ये जीरो कॉमा थ्री ए कॉमा जीरो, देखो ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो एक्स एक्सिस पे, अरे है नहीं ये डिस्टेंस पे आपका चार्ज का दिया हुआ है माइनस टू क्यू और इसका लोकेशन दिया हुआ है ए कॉमा जीरो, दूसरा चार्ज दिया हुआ है
प्लस क्यू, फोर ए कॉमा जीरो बाहर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो बोलो यार यहाँ थ्री ए ले लेते हैं, थ्री ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये आपका आ गया प्लस फोर क्यू, और ये है तुम्हारा फोर ए कॉमा जीरो, फोर ए हाँ प्लस क्यू है ना, क्या प्लस क्यू, अरे बोलो यार क्वेश्चन में सिंपली पूछा कि फ्लक्स क्या होगा इस स्फीयर के थ्रू, तो हम लोग गॉसस थ्योरम जानते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज, तो ये सरफेस के अंदर देखना बाहर नहीं, तो सरफेस के अंदर कितना है माइनस टू क्यू, हो जाएगा माइनस टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होगा फ्लक्स, तो फ्लक्स माइनस साइन बताता है कि अंदर आ रहा है बाहर नहीं जा रहा है, प्लस मतलब बाहर, नेगेटिव चार्ज क्या लेता है फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करता है ना, मतलब ये माइनस साइन बता रहा है कि फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है, जा नहीं रहा है, कितना है माइनस टू क्यू बाय एप्सिलॉन, इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं लास्ट में, इक्वेशन लिख दो ठीक है ना, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, कैसे रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक क्यूब दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्यूब है ना, सारा साइड लाइन सेम है, ट्रिकी क्वेश्चन है 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव, अरे बोलो यार इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ, डायपोल करने का मतलब माइनस क्यू और दूसरा क्या प्लस क्यू, अरे बोलो यार माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, वेरी स्मॉल, और अगर गॉसस थ्योरम अप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स कितना होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड होता है ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड, तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, एक है तुम्हारा प्लस क्यू और दूसरा क्या है माइनस क्यू, कितना हो गया जीरो, तो नेट फ्लक्स क्या होगा जीरो, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस गॉसस थ्योरम कहता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड, याद रखना अगर किसी सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो कभी भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता है नेगेटिव आ जाता है तो बाहर नहीं निकलेगा, हाँ ही नहीं, वैसे भी गॉसस थ्योरम अप्लाई करके मैंने प्रूव कर दिया है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा जीरो, डायग्राम बना सकते हैं, बनाए नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है।